दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द में राहत मिलती है। रोजाना रात को सोते समय पेशाब करके सोने से गुर्दे कभी खराब नहीं होते। रात को नाभि में तेल डालने से दिमाग तेज काम करने लगता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। कटे हुए प्याज को दूसरे दिन ना खाएं, इससे पेट की बीमारी हो सकती है। रोजाना सुबह खाली पेट उल्टा लटकने से लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। मूली का रस पीने से पित्त की पथरी बनना बंद हो जाती है। रोजाना अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा चबा लेने से जल्दी बीमारी नहीं आती है। धनिया के रस को गंजे सिर में लगाने से सर के बाल आना शुरू हो जाते हैं। गरम रोटी के साथ दही का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपको कम सुनाई देने की समस्या है तो उंगली में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर कान में लगा लें। ऐसा करने से समस्या खत्म हो जाती है। सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं। अमरूद के सेवन से सुस्ती और डिप्रेशन कम होता है। रोजाना सुबह एक ताज़ा टमाटर खाने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। सुबह नाश्ते में इलायची खाने से सांस नहीं फूलती है। अगर बच्चा रात में बिस्तर पर पेशाब करता है तो एक अखरोट की गिरी और किशमिश रात को सोने से पहले 10 दिन तक खिलाएं या एक सूखा छुआरा सुबह खाली पेट दें। अगर आपके होंठ काले पड़ जाए तो रात को सोने से पहले दही की मलाई अपने होंठों पर लगाएं। इससे आपके होंठ लाल और मुलायम हो जाएंगे। बालों को लंबे और घने करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा दूध मिलाकर लगाने से बालों को फायदा मिलता है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी नजर आने लगे तो दूध में छुआरे उबाल कर पिए। ज़्यादा ठंडा पानी पीना दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इससे दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती तो एक गिलास दूध में शहद मिलाकर पीने से अनिद्रा की समस्या दूर हो जाती है। अगर नाक में कीड़ा चला जाए तो गुलाब का अर्क डालने से कीड़ा बाहर आ जाता है। प्याज को दूध के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, ये शरीर में जहर के समान काम करता है। दूध प्याज को साथ खाने से शरीर में कई तरह के चर्म रोग हो सकते हैं। बैठते समय हमेशा अपनी पीठ को सीधा रखना चाहिए, इससे बैक पेन की समस्या नहीं होती है। चेहरे पर छोटे छोटे तिल को जड़ से खत्म करने के लिए आपको रोजाना रात को चेहरे पर मसूर दाल का पेस्ट लगा कर सोना होगा। इससे आपकी सभी तिल मिट जाएंगी। काली किशमिश आयरन से भरपूर होती है, इसे खाने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है और ये आंतों को साफ रखने में भी मदद करती है। कभी भी उल्टा मुंह करके ना सोए, क्योंकि उल्टा सोने से सीधा दिल को नुकसान पहुंचता है और खाना अच्छे से नहीं पच पाता। जो लोग मोटापे का शिकार रहते हैं उनकी टांगों में खिंचाव रहता है तो उन्हें चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में 10 से 12 किशमिश डाल दें। अगली सुबह खाली पेट किशमिश का पानी पी लें और इसके बाद किशमिश को चबा चबा कर खा लें। रोजाना इसके सेवन से लीवर नेचुरल तरीके से साफ हो जाता है, साथ ही शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट बनना बंद होने लगता है और शरीर से खून की कमी भी दूर होती है। रात को सोने से पहले एक चम्मच खसखस को पानी में भिगो दें और सुबह खसखस को पीसकर दूध में मिक्स करके पी लें। ऐसा करने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी और साथ ही जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा। मधुमक्खी अगर काट ले तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाएं, तुरंत आराम मिलेगा। और अगर तैतिया काट ले तो सिरका लगाएं। सुबह के वक्त हरी घास पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने से दिल की बीमारी दूर होती है। जो औरतें ठंडी के मौसम में अपने चेहरे पर बादाम का तेल या नारियल के तेल से मालिश करके सोती हैं तो उनके चेहरे मुलायम हो जाते हैं। रात में सोते वक्त 8 से 10 गिरी बादाम की भिगो दें और फिर सुबह उठकर छिलका हटाकर खाएं और ऊपर से गाय का दूध पी लें, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। टमाटर का ज़्यादा सेवन करने से गुर्दे में पथरी और पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। चेहरे पर दही की मलाई लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है। बंद गोभी की सब्जी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ खत्म होती है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। इससे बॉडी पर हल्के हाथों से रगड़ें, इससे डेड स्किन निकल जाती है और स्किन चमक उठती है। संतरे के छिलके को धूप में अच्छी तरह सुखाकर पाउडर बना लें। इसमें मुल्तानी मिट्टी और बेसन मिलाकर फेस पैक तैयार कर लें और 10 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें। फिर गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें, चेहरा एकदम चमक उठेगा। आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें और इसमें चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट तक लगाकर रखने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें, इससे चेहरे पर चमक आती है। पैरों के तलवों में विक्स लगाकर सोने से सीने का कफ दूर होता है और सर्दी जुखाम से भी राहत मिलती है। वजन घटाने के लिए जीरे अजवाइन डालकर बनाई गई चाय काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
जिन लोगों को सर्दी जुखाम ज़्यादा होता है उन्हें अपनी डाइट में अंडे का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर को गर्माहट मिलती है। ताज़ा एलोवेरा जेल निकालकर उसमें नारियल तेल मिलाएं और इस मिश्रण से बालों की मालिश करें। 30 मिनट के लिए इसे बालों पर लगाकर छोड़ देंगे। बालों को झड़ने से रोकने और बालों को मुलायम बनाने में मदद करता है। जो औरतें सुबह खाली पेट 3 से 4 अखरोट खाती हैं तो उन्हें घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों की सर पर बाल बहुत कम होते हैं वो रात को सोने से पहले चने की दाल का पानी सिर पर लगाएं। इससे धीरे धीरे बाल उगने शुरू हो जाएंगे। थोड़े से जीरे को सूखे तवे पर भूज लें, फिर उसे पीसकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर खाएं, पेट का दर्द गायब हो जाएगा। पुदीना, तुलसी, काली मिर्च और अदरक का काढ़ा बनाकर पीने से वात रोग दूर हो जाता है और भूख भी अच्छी लगने लगती है। अगर आपका पेट ज़्यादा बढ़ रहा है तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करें, इससे बढ़ता हुआ पेट कम होने लगेगा। यदि आपको खाना खाने के बाद खट्टी ढकार आने की समस्या है तो प्याज पर काला नमक और नींबू लगाकर खाएं, इससे बदहजमी नहीं होगी। जामुन खांसी को भी ठीक करता है। अच्छे पके हुए जामुन पर काला नमक मिलाकर खाने से खांसी में जल्दी आराम मिलता है। मेवा और दही एक साथ खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। अगर आप दुबले पतले हैं तो इसका सेवन लगातार करें, ऐसा करने से आपकी सेहत में सुधार आएगा। वहीं अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो ये शरीर की तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छा उपाय है। सर्दियों के दिनों में सर की देसी घी से मालिश करें, इससे आपका दिमाग ताकतवर बनेगा और सर दर्द से छुटकारा मिलेगा। इलायची बच्चे के लीवर के कार्य में सुधार को बढ़ावा देती है। ये विटामिन ए से भरपूर होती है जो कि स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन ए आँखों के लिए भी अच्छा होता है, इससे शरीर इन्फेक्शन से भी लड़ पाता है। अगर आप मसूर की दाल का नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, साथ ही ये मानव शरीर की कमजोरी को दूर करता है। एक शोध के मुताबिक पपीते में भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। इसको खाने से लंबाई बढ़ने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पेट में किसी तरह की परेशानी होने पर नींबू पानी कभी नहीं पीना चाहिए। इससे मौजूद एसिड पेट में अल्सर की परेशानी पैदा कर सकता है, जिससे जलन और पेट दर्द हो सकता है। स्किन को नमक से मसाज करोगे तो स्किन अंदर से साफ हो जाएगी और जिल्द की रौनक उभर आएगी। सुबह खाली पेट चने की भीगी हुई दाल में शहद मिलाकर खाने से व्यक्ति की अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है और वो हमेशा जवान नजर आते हैं। रोजाना 8 ग्लास पानी पी लिया करो, स्किन की बीमारी कभी पास नहीं आएगी। कब्ज के रोगी को सेब को छिलके समेत खाना चाहिए। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खा लेने से शरीर को गर्मी नहीं लगेगी। रोजाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लेने से शुगर की बीमारी से छुटकारा मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जो खाना बनाए उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें। ये कुदरती तौर पर जायके को उभार देता है और खाना जायकेदार बनता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए। गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाने से बंद गला खुल जाता है। तेज सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सेब को छिलकर बारीक काट लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम को अपनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी जानकारी और टिप्स की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।